शैलेंद्र का ये गाना बेहद रोमांटिक है, इतना कि महबूबा नायक की बाहों में आने को मचल जाए। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। मोहम्मद रफी ने इन गानों को ऐसे गाया है कि लोग आज भी ना शैलेंद्र को भूल पाते हैं और ना मोहम्मद रफी को। दिल के मेरे पास हो इतने। ये गाना है 1960 में आई फिल्म काला बाजार का। ये गाना फिल्माया गया है देवानंद पर और इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। अगर हम शैलेंद्र के इस गाने का जिक्र नहीं करें तो बात अधूरी रह जाएगी। जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज। दोस्तों, यह वीडियो उस सीरीज का दूसरा पड़ाव है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं महान गीतकार शैलेंद्र के फिल्मी सफ़र की। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे शैलेंद्र एक क्रांतिकारी से सफल गीतकार बन गए फिल्मकार राज कपूर की सोहबत में। तो अब चलें आगे के सफ़र पर। 1958 में बिमल रॉय की एक सुपरहिट फिल्म आई मधुमती। इसके सारे 11 गाने शैलेंद्र ने लिखे। मधुमती का ये गाना सुनिए। इसे गाया है मुकेश ने। इस फिल्म का एक और गाना सुनिए। इस गाने में मुकेश का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। दिल थड़क थड़क के दे रहा है, इसी फिल्म का एक और गाना सुनिए। इसे गाया है लता मंगेशकर ने। शैलेंद्र का लिखा एक और कालजयी गाना है। असली नकली चेहरे देखे। ये गाना है 1959 में आई सुपरहिट फिल्म अनाड़ी का। इस फिल्म का ये गाना ऐसा है कि हर ईमानदार आदमी को लगता है कि ये गाना उसी के ऊपर लिखा गया है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। राज कपूर का अभिनय, उनका करिश्मा, कहानी, शंकर जयकिशन का संगीत और मुकेश की आवाज, पता नहीं लगता कि इस गाने की आसमान छूती सफलता का क्रेडिट किसे देना चाहिए, किसी एक को या सबको। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। शैलेंद्र ने इसी फिल्म के लिए एक और कालजयी गाना लिखा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। ये गाना इंसानियत की बात करता है। क्या आपने ऐसा गाना सुना है जो इतने खूबसूरत तरीके से जीने की फिलॉसफी बताता हो। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। शैलेंद्र ने हर भाव हर रंग के गीत लिखे। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए। ये गाना है गाइड का, जो आई थी 1965 में। गाइड में जीवन के कई रंग हैं जो बेहद खुलकर लेकिन एक जीवन दर्शन के साथ बड़े खूबसूरत ढंग से दर्शकों के सामने आते हैं। अपने कभी थे, अब है पराए। शैलेंद्र ने इस फिल्म में तन्हाई और महबूबा की बेरुखी को बड़ी खूबसूरती से सबके सामने रखा है। दिल के मेरे पास हो इतने। महबूबा पास हो लेकिन फिर भी दिल को चैन न मिले, ऐसा कमाल सिर्फ शैलेंद्र ही कर सकते हैं। फिर से वो सावन, अब
क्यों ना। मोहम्मद रफी ने ऐसे गाया है कि लोग आज भी ना शैलेंद्र को भूल पाते हैं और ना मोहम्मद रफी को। दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। इसी फिल्म में शैलेंद्र का जिंदगी से लबरेज एक गाना है जो अपने अंदाज में अनूठा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। फिल्मी दुनिया का ये एक अकेला ऐसा गाना है जो बताता है कि हर इंसान खुलकर जी भर कर जीना चाहता है। गाइड का एक गाना है जिसे इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर दादा SD बर्मन ने खुद गाया है। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। दरअसल RK नारायणन की किताब पर बनी फिल्म गाइड एक व्यक्ति के क्या से क्या हो जाने का जीवन दर्शन है। शैलेंद्र का ये गाना फिल्म की इसी छवि को और मजबूत करता है। कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। शैलेंद्र का लिखा एक और गाना है जिसे SD बर्मन ने गाया है। ओ मेरे माधी भव की बार ले चल पार। ये गाना है 1963 में आई बिमल राय की फिल्म बंदिनी का। मेरे साजन है उस पार। इस फिल्म में संगीत SD बर्मन ने ही दिया है लेकिन उन्होंने इस गाने को ऐसे गाया उससे लगता है कि आपके पास रहने वाला आपका कोई परिचित आपसे ही गुहार लगा रहा हो। SD बर्मन के लिए शैलेंद्र ने एक और खूबसूरत गाना लिखा। खोया खोया चांद खुला आसमान। ये गाना है 1960 में आई फिल्म काला बाजार का। मस्ती भरी हवा जो चली खिल खिल गई ये दिल की कली। ये गाना फिल्माया गया है देवानंद पर और इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। ओ, खोया खोया चा। शैलेंद्र ऐसे रोमांटिक गाने लिखने में भी माहिर थे। जरा उनका लिखा ये गाना तो सुनिए। ये गाना है 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी का। शैलेंद्र का एक और रोमांटिक गाना सुनिए। अंधेरा है तो रहने दो मुझसिम चांदनी हो तुम। शैलेंद्र का ये गाना बेहद रोमांटिक है, इतना कि महबूबा नायक की बाहों में आने को मचल जाए। मचल उठा ये दिल नादा बड़ा जिद्दी। ये गाना फिल्म अमन का जो आई थी 1967 में। इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। मेरी जा आओ बैठो पास के हमको नींद नहीं आती। शैलेंद्र ने अपने जीवन में संघर्ष देखा, भूख देखी, दर्द देखा, बेबसी देखी, दुख से छुटकारा पाने के लिए हाथ पांव भी मारे। यही वजह है कि उन्होंने 1952 की फिल्म दाग के लिए ऐसा गाना लिखा जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। दिल कहीं और चल गम की दुनिया से दिल भर गया। शैलेंद्र का यह गाना आज भी हर इंसान को अच्छा लगता है क्योंकि इसमें उम्मीद है। जल जहां गम के मारे न हो झूठी आशा के तारे न हो। शैलेंद्र का एक और गाना है जो अमर है। पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। ये गाना दरअसल गीतकार का सपना है जो उसने हिंदुस्तान के लिए देखा है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इसी फिल्म का एक और गाना है शैलेंद्र का जो उस दौर के हिंदुस्तान की कहानी कहता नजर आता है। नैन बिछाए बाहें पसारे। इस गाने को गाया है मुकेश ने
और संगीत दिया है जय किशन ने। अब लौट चले। दरअसल शैलेंद्र ने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं जो समय के सीने पर अपने निशान बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। जरा सुनिए। इस गाने को लता मंगेशकर ने गाया है। अगर हम शैलेंद्र के इस गाने का जिक्र नहीं करें तो बात अधूरी रह जाएगी। जीना यहां, मरना यहां। शैलेंद्र इस गाने का सिर्फ मुखड़ा ही लिख पाए थे। इस गाने को पूरा करते इससे पहले ही उन्हें दूसरी दुनिया से बुलावा आ गया। इस गाने को पूरा किया उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने। स्वर्ग यही, नर्क यहां। दोस्तों, शैलेंद्र का जीवन छोटा था लेकिन उनके काम बड़े थे। इस एपिसोड में आज इतना ही, तो अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। जीना यहां, मरना यहां।